हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंडल के मुख्यतः दो नियम है, यहां पर देख सकते हैं, मेंडल के प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो देखिए, मेंडल साइंटिस्ट ने मटर के पौधे पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हमारे पास एक शुद्ध लंबा पौधा है और दूसरा एक शुद्ध बौना पौधा है। ठीक है, यदि हम इन दोनों पौधों का संकरण करा देते हैं, यानी कि एक शुद्ध लंबा पौधे का और एक शुद्ध बौने पौधे का संकरण करा देते हैं, यानी कि आपस में क्रॉस करा देते हैं, तो F1 पीढ़ी जो होगी उसमें सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखिए इनको क्रॉस किस प्रकार से किया जाता है। हमारे पास है एक शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल TT और दूसरा पौधा है शुद्ध बौना पौधा स्मॉल TT। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, जो शुद्ध लंबा पौधा है उसके हम पहले कैपिटल टी का बौने पौधे के स्मॉल टी से इस प्रकार से क्रॉस करा देंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो दूसरा कैपिटल टी है उससे भी इस प्रकार से क्रॉस करा देंगे पहले टी का, तो इस प्रकार से प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा स्मॉल टी बचा, इस स्मॉल टी का इस प्रकार से फिर से इसमें क्रॉस करा देंगे पहले पौधे के। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो देखिए क्रॉस कराने का यही तरीका है। तो देखिए इसमें आप देख रहे होंगे, यदि लंबे पौधे का यदि एक भी कैपिटल टी आ रहा है तो हमें पौधा लंबा प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए मेंडल के प्रभाविता के नियम में इस प्रकार से लिखेंगे, मेंडल के प्रभाविता का नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण पर आधारित है, यानी कि जो मेंडल का नियम है वो एक संकरण पर आधारित है। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकर यानी कि क्रॉस कराया जाता है, यानी कि जब शुद्ध लंबे पौधे, यहां पर देख सकते हैं, जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के साथ संकर क्रॉस कराया जाता है तब हमें लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रथम पीढ़ी एफ वन में विपरीत लक्षणों में से केवल एक प्रभावी लक्षण दिखाई देता है लंबे पौधे होने का। ठीक है, यानी कि प्रथम पीढ़ी के विपरीत लक्षणों में से उसमें से एक लक्षण दिखाई देता है पौधों के लंबे होने का। ठीक है, बोने होने का हमें लक्षण नहीं दिखाई देता है, यानी कि बोने होने का लक्षण छिप जाता है। ठीक है, तो हमने यही लिखा है कि प्रथम पीढ़ी एफ वन में विपरीत लक्षणों में से केवल एक प्रभावी लक्षण दिखाई देता है लंबे होने का। ठीक है, और अप्रभावी लक्षण बोनापन छिपा रहता है, यानी कि पौधे का जो बोनेपन का लक्षण है वो छिप जाता है, हमें केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम इसका उदाहरण लिखेंगे। तो देखिए इसका डायग्राम देखिए, पहले हमारे पास शुद्ध लंबे पौधे के कैपिटल टी है, ये शुद्ध बौने पौधे के इस प्रकार से स्मॉल टी है। ठीक है, तो देखिए जब हम कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो देखिए इसके पहले कैपिटल टी का इसके पहले स्मॉल टी के साथ इस प्रकार से क्रॉस कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद देखिए इसके पहले कैपिटल टी का दूसरे पौधे के पहले स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो देखिए हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, उसी प्रकार से जो इसका दूसरा स्मॉल टी है इन दोनों कैपिटल टी के साथ क्रॉस करा देंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमें एफ वन पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो देखिए इसके उदाहरण में लिखेंगे, जब शुद्ध लंबे कैपिटल टी तथा शुद्ध बोने स्मॉल टी पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, यानी कि जब शुद्ध लंबे कैपिटल टी और शुद्ध बोने पौधे स्मॉल टी पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो एफ वन पीढ़ी में प्राप्त सभी लक्षण पादप 100% लंबे प्राप्त होते हैं। तो एफ वन पीढ़ी में जो प्राप्त सभी पौधे हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं क्योंकि लंबेपन का लक्षण प्रभावी है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो मेंडेल का दूसरा नियम है वो है पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो देखिए हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसे कि हमने पिछले नियम में बताया था, तो जब हम शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बौने पौधे के साथ संकरण कराते हैं तब हमें एफ वन पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रभाविता का नियम। उसके बाद देखिए जो पृथक्करण का नियम क्या कहता है, जो हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं उसमें से किन्हीं दो लंबे पौधों को लेकर हम उनका स्व परागण कराते हैं। हमने क्या किया, इसमें से किन्हीं दो लंबे पौधों को लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें से दो लंबे पौधों को लिया और इसमें स्व परागण कराया। ठीक है, तो स्व परागण के बाद हमारे पास इसमें जो दूसरी पीढ़ी एफ टू प्राप्त होती है उसमें तीन पौधे लंबे प्राप्त होते हैं और एक बौना पौधा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से लंबे पौधों का और बौने पौधों का पृथक्करण हो जाता है। तो देखिए इसके पृथक्करण के नियम में लिखेंगे, जब प्रथम पीढ़ी के एफ वन पौधों में स्व परागण कराया जाता है तब पीढ़ी एफ टू के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके पृथक्करण के नियम में कुछ इस प्रकार से ही लिखा है कि जब प्रथम सनातनी पीढ़ी एफ वन के विषम युग्मनजी पौधों में स्व परागण कराते हैं तो द्वितीय सनातनी पीढ़ी एफ टू के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में
पृथक्करण हो जाता है, ठीक है, यानी कि 3:1 के अनुपात में उनका पृथक्करण हो जाता है, ठीक है। अतः इन लक्षणों से पृथक्करण का नियम कहलाता है, यानी कि जो पौधे अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं, शुद्ध बोना पौधा और शुद्ध लंबे पौधे जो प्राप्त होते हैं, यानी कि इन लक्षणों से पृथक्करण का नियम कहलाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यानी कि इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। उसके बाद देखिए इसमें कुछ इस प्रकार से उदाहरण लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब F1PDA से प्राप्त पौधों के बीच स्वपरागण कराया जाता है तो F2 में लंबे पौधे व बोने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास ये F1PDA के दो शुद्ध लंबे पौधे हैं, यानी कि F1PDA के दो शुद्ध लंबे पौधों का जब संकरण कराया जाता है तब F2PDA में कुछ लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और कुछ बोने पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके उदाहरण में हमने इसी प्रकार से लिखा है कि जब F1PDA से प्राप्त पौधों के बीच स्वपरागण कराया गया तो F2PDA में लंबे व बोने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।